look at this, guys. Look at this. Wow, so amazing. Okay. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। क्योंकि आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज हम इस गाड़ी के बारे में जो बात कर रहे हैं, ये गाड़ी एक SUV है और आपको एक लग्जरी वैल्यू फॉर मनी और एक बहुत ही प्रीमियम एडवांस फीचर के साथ देखने को मिलती है। ये जो गाड़ी है वो है किया की सेल्टोस। साथ में इसके अंदर हमको जो सेंसर देखने को मिलते हैं, 4 पार्किंग सेंसर विद ऑटोमेटिक सेंसर के साथ देखने को मिलते हैं। एक स्टाइलिश नोज ग्रिल देखने को मिलती है। साथ में अगर मैं बात करूँ ये हुड के ऊपर, जो हुड पे जो डिज़ाइन बनाया हुआ है इसके ऊपर, काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन लगता है। साथ में अगर मैं बात करूँ कि इसके जो व्हील 17 इंच के एक हैवी टायर हैं जो SUV के होने चाहिए, और ग्राउंड रेफरेंस भी काफ़ी ऊँचा है, जिसकी वजह से गाड़ी किसी भी ज़्यादा आसानी बम्प को बहुत आसानी से पार कर देती है। अगर मैं बात करूँ इसके इंटीरियर के बारे में, सबसे पहले इस गाड़ी के अंदर हमको बोस कंपनी के ये साउंड बार देखने को मिलते हैं, जो अपने हमें प्रीमियम है, विद कुछ टूटर्स भी है इसके अंदर, 4 टूटर्स हैं। और इस गाड़ी में जो फीचर्स इतने हैं, सबसे पहली बात में अगर मैं बताऊं, इस गाड़ी के अंदर क्लिच नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमको एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, IMT इंटेलिजेंस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जिसकी मदद से आपको कोई क्लिच दबाने की नहीं है। एक मैग्नेट से इसका क्लिच से टायर फ्रेंच होता है, जिससे आपको क्लिच की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। आप ये देख सकते हैं सीट में हमको 4-way सीट एडजस्टमेंट है। ये आप जैसे कि देख सकते हैं, ये सीट का ये अप डाउन पोर्शन हो गया, ये सीट को चाहे आगे पीछे का पोर्शन हो गया। अब साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इसकी और इंटीरियर के बारे में, सबसे पहले इस की को देखिए आप, इसमें कोई भी आपको की देखने को नहीं मिलती है। आप इसके पास भी खड़े रहेंगे, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा और इसको अनलॉक कर देगा, लॉक अनलॉक। और इसके बाद आप गाड़ी को इसको इस बटन से ही स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही में एक डिग्गी का भी ऑप्शन दिया गया है इसमें। अब मैं बात करूँ इसके डिस्प्ले के बारे में, तो इसके अंदर 10-10 इंच की 2 डिस्प्ले देखने को मिलती हैं। और स्टेयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग देखने को मिलती है। अब सबसे पहले मैं इस गाड़ी को स्टार्ट, तो दोस्तों इस स्टेयरिंग के अंदर जो ये स्टेयरिंग है, ये इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग है। मतलब कि क्या होता है कि आपको कोई भी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको एक ही स्टेयरिंग से आसानी से पूरा के पूरा स्टेयरिंग घुमा सकते हो इस पूरी SUV का। और ये एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, आपको क्लिच की जरूरत नहीं है इसके अंदर, आप बिना क्लिच के ही इस ट्रांसमिशन को यूज कर सकते हो। मतलब इस पैर को आपको बिल्कुल फ्री रख दो, कोई भी आपको इस पैर का जरूरत। अगर मैं बात करूँ इसके हैंडल बार की, जो क्रूज कंट्रोल देखने को मिलते हैं, साइड में हमको हेडलाइट बीम्स वगैरह फीचर्स देखने को मिलते हैं, और एक 10 इंच की हमको एक फुल्ली डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसके अंदर काफ़ी मोड देखने को मिलते हैं हमारे। उसके साथ साथ एक हमको एक 10 इंच की और डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें आप कैमरा का भी मज़ा ले सकते हैं कि अपना व्यू 3D वगैरह भी इसमें सब चीज़ दिखाई दे सकता है। और आप देखते हैं ज़रा बिल्कुल नीचे का भी, अगर ग्राउंड फ्रेंस देखना चाहें तो वो भी देख सकता है, या आप पीछे का आप देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। साथ में और भी कई सारे फीचर हैं जो काफ़ी अपने आप में मज़ेदार हैं। और ये देख सकते हैं फुल्ली स्मूथ डिस्प्ले फीचर है, जिसको आप फुल्ली एक्सेस ले सकते हैं। साथ में हमको यहाँ SOS बटन, यहाँ गाड़ी को मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं वो है। साथ में हमको ये इसके अंदर ये जो बल्ब के फीचर्स वगैरह हो जाते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं, LEDs वगैरह। इसके अंदर 6 एयरबैग्स हैं, फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं और सेफ्टी के मामले में ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। साथ में अगर हम बात करें इसकी रूफ टॉप, तो पहली बात तो आप इसका रूफ टॉप देखिए, यहाँ से लेके पूरा एंड तक इसको काफ़ी बड़ा रूफ टॉप है। अगर आप इसको भी ओपन करना चाहते हो, सिंबल आपको एक बटन यहाँ क्लिक करना है और ये पूरा रूफ खुल जाएगा। जरा आप ये देखिए, लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस, वाओ सो अमेजिंग। और ये देखिए आप पूरा इसमें आराम से मजे लीजिए। मतलब सच में दोस्तों आपको मजा आ जाएगा। साथ में हमको एक डक देखने को मिलती है, स्पेस है इधर, आप इधर कुछ भी अपना सामान रख सकते हैं। साथ में हमको एक वायरलेस पोर्ट, इधर आप मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं, इधर यो चार्जिंग पोर्ट्स भी दिए गए हैं, है ना। तो ये काफ़ी सारे, और इधर काफ़ी सारे मोड्स हैं, सेटअप, मीडिया, रेडियो, सिक ट्रैक वगैरह, आप इस गाड़ी को कहाँ कहाँ चलाते हैं, या मड, रेगिस्तान वगैरह, ये मतलब इसके फीचर्स हैं, मड, सैंड, कहाँ चलाएंगे आप इस गाड़ी को। साथ में ये जो क्रूज कंट्रोल के साथ साथ हमको ये एक एडरनी का फीचर्स और देखने को मिल जाता है, जैसे हम कहीं ट्रैफिक वगैरह में होते हैं तो क्या होता है, हम याद नहीं रख पाते हैं कि हम
गाड़ी को बंद करना है चालू, तो ऑटोमेटिक ट्रैफिक मोड में इस गाड़ी को बंद चालू का इसमें फीचर देखने को मिल जाता है। और ये देखिए ये इसका ऑटोमेटिक, ये इसका जो कवर है वो भी लग गया, लेकिन आप खोलना चाहें तो वो भी खोल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन मैं भी इसको एक क्लिक में, सिंगल क्लिक में सिर्फ वो पोर्शन चला जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसके बैक डिज़ाइन में, तो बैक सीटिंग में तो क्या क्या देखने मिलता है, साथ में हमको एसी डक्स देखने मिलती हैं काफ़ी। ये मैं जैसे बताऊँ आपको, जो थोड़ी देर पहले हमने जो आपको पिछले वीडियो में जैसे हमने आपको गाड़ी जो दिखाई थी किया की सोनेट, उसमें जो आइस क्यूब देखने का फीचर थे वो नहीं था, तो वो था उसमें, लेकिन ये इसमें नहीं है, तो कोई दिक्कत आता नहीं है। शायद में हमको ये फीचर देखने मिलते हैं, पीछे काफ़ी बड़ी डिग्गी है और ये काफ़ी फीचर है। दोस्तों अभी तक हमने इसकी फ्रंट इंटीरियर और डिज़ाइन के बारे में बात की थी, अब बात कर रहे हैं बैक के बारे में। तो इसके अंदर हमको किया क्या करती है, एक कर्टन देखने को मिलता है, जो कि और कंपनीज में नहीं देखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन इसके फायदे भी हैं, इसे और जो चिपकाने वाले आते हैं ना उनसे शीशे ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसे प्रॉब्लम नहीं आती है। साथ में वही बोस की ब्रांडिंग है, स्पीकर है, काफ़ी बड़ा लग्जरियस महाशक, आप इसके अंदर स्पेस देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा बिग स्पेस है। अगर मैं बात करूँ इसके पीछे डकेस के बारे में, तो ये भी काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है इधर, तो ये भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। साथ में आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा इधर स्पेस दिया गया है, जिधर आप इधर भी सामान रख सकते हैं, चाहे तो इधर भी सामान रख सकते हैं अपना जो भी सामान है। साथ में हमको स्टेपनी वगैरह जो टायर रखने का जो स्पेस है वो भी काफ़ी बड़ा है, आप इधर रख सकते हैं। साथ में जो इसका सस्पेंशन ये दिया गया है, जिससे कि सबको पकड़ने की कोई मदद की ज़रूरत नहीं रहती और काफ़ी अच्छा और स्मूथ तरीके से इधर बंद हो जाता है। और वाइपर है, विंडशील्ड पर, इसके अंदर जो हमको इंजन देखने को मिलता है वो टर्बो चार्ज है, साथ में 1.5 लीटर का एक पेट्रोल डीजल है, और ये काफ़ी अच्छा और प्रीमियम है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ इसके अंदर पूरा ये इंजन को काफ़ी अच्छी तरीके से पैकेज किया गया है, तो अपने आप में काफ़ी अच्छी चीज़ है और आप इसको आराम से इधर से रख भी सकते हैं। तो ये गाड़ी अपने आप में काफ़ी प्रीमियम है, इसकी जो एक्सशोरूम प्राइस और जो डिटेल है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन और कैप्शन में या फिर इसी वीडियो में आपको यहाँ मिल जाएगा, तो उसके आपको चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। साथ ही साथ अगर इस वीडियो इस गाड़ी के लुक के बारे में अगर मैं बात करूँ, काफ़ी अच्छा है। और अभी जो हम खड़े हैं ये है किया का शोरूम, तो काफ़ी बड़ा शोरूम है और इन्होंने हमें वीडियो बनाने का मौका दिया, थैंक्स टू ऑल ऑफ अस। बस ये है कि इस गाड़ी को अगर आप लेना चाहते हैं राजस्थान भरतपुर से, तो ये गाड़ी आप ही के लिए है, काफ़ी अच्छी है, एसयूवी है और काफ़ी वैल्यू फॉर मनी यह गाड़ी आपका प्रोवाइड होती है। तो बने रही ऐसी वीडियो में, क्योंकि ऐसी वीडियो आती रहती हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो आती रहती हैं। धन्यवाद।